प्रभु एक ही है। भगवान चाहते हैं कि आप राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तो अपनी कोई बस की बात नहीं। आपने हमें खोजा नहीं, आपने राधा नाम को खोजा नहीं, प्रभु ने आपको सुनवाया, आपके मन में आ रहा है, तो वो कोई निषेध वाली बात तो है नहीं ना। और वही राम है, वही श्याम है, दूसरे थोड़ी है। अलग अलग रूप अवतार लीला करके भक्तों को दुलार करते हैं। तो भगवान श्री राम से प्रार्थना करो कि अगर आपकी इच्छा है कि हम राम राम जपे, तो हमारे मन से आप राम राम शुरू करवाओ। अगर आपकी इच्छा है श्याम श्याम जप करें, तो फिर दुविधा हटाओ, फिर श्याम सुंदर में मन लगाओ, राधा रानी में मन लगाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो। कोई और थोड़ी हो, कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही श्याम है, अंतर नहीं है। पर नाम रूप की आसक्ति के लिए उन्हीं से प्रार्थना करें कि प्रभु यदि आपने निश्चय किया है कि राम रूप में आसक्ति हो तो आप कृपा करो, आपने निश्चय किया श्याम रूप में तो आप कृपा करो, समझ रहे। उनके ऊपर छोड़ दो। अब बात हमारी नहीं रह गई, हमारे गुरुदेव की। गुरुदेव ने जो कहा वही मंत्र जपना, वही नाम जपना, वही उपासना जपनी। गुरुदेव का वरण करो, प्रभु से प्रार्थना करो, हे राम जी आप हमारे गुरु हो, आप प्रगट रूप में मिलो। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जा। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा।